वो देखो सामने जल महल भी दिखाई दे रहा है, वो देखो इस तरफ पूरा पूरा जयपुर सिटी आपको यहाँ से दिखाई देगा। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये सनसेट है, यहाँ सामने कोई प्री वेडिंग शूट भी चल रहा है। जयपुर से आमेर फोर्ट जाने के लिए आप कैब या ऑटो हायर कर सकते हैं। हमने एक ऑटो हायर किया जो कि 500 रुपये में वो हमें आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट दिखाने के बाद जल महल दिखाता हुआ हमारे होटल तक हमें छोड़ देगा। इस वक्त हमें आमेर फोर्ट के एंट्रेंस गेट पर और अब यहाँ से अंदर जाते हैं। देखो पीछे व्यू। और आपने टिकट ले ली है, इसमें 100 रुपये की टिकट है एडल्ट के लिए और स्टूडेंट के लिए 20 रुपये की है। तो एक स्टूडेंट है हमारे पास तो हमें वो डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपका स्टूडेंट आईडी है तो लेके ज़रूर आएगा, बहुत काम आने वाली है राजस्थान में आपको। और 7 साल से नीचे बच्चे की तो टिकट होती नहीं है तो वो भी हमने नहीं लिया। बस हम 3 एडल्ट हैं तो उसमें हमने जो है टिकट लिया 100 रुपये एक पर्सन की, तो टोटल 300 का हमारा टिकट है। और आप चलते हैं फोर्ट की तरफ। फोर्ट के अंदर और यहाँ सांस चढ़ गए, सीढ़ियाँ बहुत हैं यहाँ पे। वीडियो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है दीवाने आम। और क्योंकि ये है सिर्फ यहाँ पे जो राजा ने बनाया था, ये सिर्फ यहाँ के लोग आम लोग जो है उनके लिए दीवाने आम, यहाँ पर सब लोग आ जा सकते हैं। और एक दीवाने खास है वो भी आपको आगे दिखाते हैं। चलिए जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर शाम को लाइटिंग शो होता है तो हम तो जल्दी आए तो हम वो नहीं देख पाएंगे। अगर आप शाम को एंजॉय करना चाहो तो आप आमेर फोर्ट सबसे लास्ट में कीजिए ताकि आप शो को भी एंजॉय कर पाए। और अब हम हैं फोर्ट के अंदर। ये है दीवाने खास जो यहाँ पर राजा के जो खास उन्हीं को आने की अनुमति थी। और इसके अंदर की नक्काशी देखिए कितनी खूबसूरत है, अंदर की जो कला है वो देखो कितना कितना ब्यूटीफुल वर्क है यहाँ पर। देखो अंदर शीशे का देखो। जो पीछे जो शीशों का काम आप देख रहे हो, इसका जो यूज़ था वो यहाँ पर जब कोई भी पार्टी वगैरह होती थी तो नीचे जो कारपेट बिछाया जाता था ना, तो सेम कारपेट का रिफ्लेक्शन ऊपर जाता था और इसकी वजह से यहाँ पर जो है कलर वही रिफ्लेक्ट कर पा रहा था। नीचे ग्रीन कारपेट है तो ग्रीन कारपेट की वजह से ऊपर रिफ्लेक्शन दी तो पूरा माहौल ग्रीन नज़र आएगा, रेड होगा तो रेड नज़र आएगा। तो इसको बनाने का जो मकसद था वो यही है। और उसके बाद आगे देखते हैं कुछ होगा। ये वहाँ दिखा रहा है कुछ, यहाँ पर 20 रुपये की टिकट है, ये एक टिकट है 20 रुपये। बेटा जिद कर रहा था, हमने कहा चलो दिखा देते हैं। देख लिया,
कैसा था? बढ़िया था। पहले तो फ्लैग देखा, इंडियन फ्लैग, और उसके बाद वो सिक्योरिटी वॉल, और उसके बाद टावर। और अब हम यहाँ से चल रहे हैं वापस, पीछे का व्यू देख रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जो बगीचा बना हुआ है ना, देख रहे हो कितना खूबसूरत है। यहाँ पर अभी हम अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर, तो फायदा नहीं अंदर जाने का, थोड़ी रिपेयरिंग चल रही है यहाँ पर। तो बाकी हमें ऐसा तो कुछ इतना कुछ लगा नहीं, तो हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें 2-3 फोर्ट और कवर करने हैं आज में, क्योंकि अगर फोर्ट में आ गया तो एक पूरा दिन चाहिए आपको। अरे वाह, एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ मैं, महल के अंदर कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करना चाहो यहाँ पर कर सकते हो। आमेर फोर्ट देखने के बाद अब हम निकल पड़े थे नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। तो गाइस अब हमने ऑटो कर दिया अपना पार्क, और अब यहाँ से जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट, और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। दिखाई दे रहा है अंदर से, शायद और भी बेहतर होगा। अब हम पहुंच गए हैं नाहरगढ़ फोर्ट के बाहर, और यहाँ पर कैफ़े है, कैफे में हमने लिए चाय, और साथ में ले रहे हैं हम पैटीज। यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो गई ऑब्वियसली क्योंकि इतनी ऊपर है, तो पैटीज है 30 रुपये की, और चाय है कि यहाँ पर 25 रुपये की। चाय तो अच्छी है, पैटीज बहुत ठंडी थी, तो हमारे बच्चों को गर्म चाहिए थी, तो हमने गर्म कराई बाद में, भैया गर्म कर नहीं रहे थे, और अभी स्वाद लेके खा रहे थे। हाँ बेटे, मजा आ रहे हैं इन 4 दिन, 30 मार्च, 18 अप्रैल, 18 मई और 27 सितंबर को यहाँ जो एंट्री फ्री होती है, अगर उस दिन आओगे तो आपको एंट्री फीस नहीं देनी पड़ेगी। टिकट हमने ले ली है, 50 रुपये की टिकट है एडल्ट के लिए, और स्टूडेंट के लिए 20 रुपये, फिर फ़ायदा हो गया। फिर क्योंकि स्टूडेंट आई डी है तो लेके आइएगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको जयपुर में। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो जयपुर सिटी का व्यू, यहाँ से पूरा जयपुर सिटी आपको दिखाई देगा नाहरगढ़ विलेज से, जहाँ से दूर दूर तक देखेंगे घर ही घर दिखाई दे रहे हैं। चलो चलो इसके अंदर चलो, ये देखो यहाँ पे, ये देखो पीछे, ये रहा बावड़ी, पानी है इसमें बेटू को, यहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं बेटा। ये देखो यहाँ पे है बावड़ी, यहाँ पानी इकट्ठा होता है बारिश का। नाहरगढ़ की ऐतिहासिक बावड़ी है, वर्षा का जल पहाड़ियों से निर्मित नलियों के माध्यम से बहता हुआ इस बावड़ी में एकत्रित होता था। नलियों के माध्यम से छोटी छोटी नदियाँ बनी है जो कचरे को रोककर जल में जल को शुद्ध करती थी। ये देखो टेक्निक तो अच्छी थी भाई पहले। चलो चलते हैं। हमने अभी पीछे बावड़ी देखी थी, और हम बहुत ज़्यादा लंबा सफर अभी करके आए हैं, थक भी रहे हो, सांस फूलने की आवाज आ रही है। देखो तोप, देख चलो। इधर हम कर चुके हैं महल के अंदर एंट्री, और यहाँ पर अपने टिकट को संभाल के रखिएगा, टिकट दोबारा चेक होती है, कहीं ऐसा ना हो कि टिकट अगर आपकी खो जाए तो यहाँ पर एंट्री आपकी नहीं हो पाएगी। अब हम जा रहे हैं महल की छत पे, जाने का ऊपर, देखो बंदर भी है थोड़ा सा बच्चे।
चलो ऊपर। इतने सारे मंकी देखो, कुछ सामान चुरा के ले। क्या ठीक है, छोटा मंकी। चलो 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 इधर चलो, इधर चलो, अच्छा। और यहाँ से जो नजारा है गाइस, ये देखो छत के ऊपर का नजारा आपको दिखाता हूँ। मुझे देखो सनसेट हो रहा है। यहाँ सामने कोई प्री वेडिंग शूट भी चल रहा है। तो गाइस मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये सनसेट है, और ये हम फोर्ट की बिल्कुल टॉप छत के ऊपर है, रूफ के ऊपर खड़े हुए हैं। यहाँ से जो सनसेट का व्यू है ना, वो बहुत ही अमेजिंग है। अब कैमरा में भी उतनी खूबसूरती कैप्चर नहीं होती जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और यहाँ से पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पीछे से जो जयपुर शहर का व्यू है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। ये देखो मेरे पीछे, वो देखो सामने जल महल भी दिखाई दे रहा है। वो देखो इस तरफ पूरा पूरा जयपुर सिटी आपको यहाँ से दिखाई देगा। आप जयपुर आओ ना तो ये फोर्ट कभी मिस मत करना, नहीं तो आप जयपुर को मतलब खुली आंखों से देखने का जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो मिस कर दोगे। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, और यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि हमें दो तीन घंटे और रुकना चाहिए, लेकिन अब रात ज़्यादा हो रही है तो हमें और भी प्लेसेस कवर करने हैं, तो हमें निकलना पड़ेगा। और एक चीज़ और, यहाँ पर बंदर बहुत सारे हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ लेके मत आना जो बंदर आपसे छीनने की कोशिश करें, वो पैनिक हो जाए। तो इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। एक बंदर ही देखिए, अब आपको सूरज दिखाते हैं जूम करके। और अब हम वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, और मैं आपको कहूँगा कि अगर आप फोर्ट वगैरह विजिट करना चाहते हो ना, तो एक दिन में दो ही फोर्ट करें, जिससे कि आप पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओ। हमने बहुत सी चीज़ों को मिस कर दिया क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज थी, और इस वजह से अब हम पूरा कवर नहीं कर पाए हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तो प्लान करके आइए कि एक दिन में दो जगह ज़्यादा मत घूमिए, क्योंकि घूमने में हमारा स्टैमिना कम होता है, और दूसरा पहाड़ चढ़ना, ऊपर नीचे सीढ़ियाँ उतरना, ये सब चीज़ें तो थका देती हैं वैसे भी। अब इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप प्लान करके आइए, कम से कम दो दिन तीन दिन का स्टे रखिए, और एक दिन में दो ही जगह देखिए ताकि आप अच्छे से इन्जॉय कर पाए। जयपुर सच में यार बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ताकि और भी ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। चलो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। बाय बाय।